अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देवर माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ह्यूज तराज शॉपिंग हॉल। ये जितने भी आपको पार्सल्स नज़र आ रहे हैं ना इस वक्त, ये सब मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं ये चीज़ें। और ये मैंने पिछले मंथ ऑर्डर की थी अगस्त में, और अब मुझे सितंबर में ये रिसीव हो चुकी हैं सारी। मैंने एक एक करके कलेक्ट करती गई ताकि मैं एक ही दफ़ा आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर सकूँ। और जो है ये जितने भी आपको पार्सल्स नज़र आ रहे हैं, सब मुझे चाइना से रिसीव हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि चाइना से जो पार्सल रिसीव होते हैं बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन जब रिसीव होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो चलिए जी, आज मैं आपको इस साथ शेयर करती हूँ कि मैंने दराज से जो चीज़ें ऑर्डर की हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले ये मैंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के पास के देखी थी ये वाली चीज़, तो अभी मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि इसका कैसे यूज़ होता है। तो ये आप देख सकते हैं, सिलिकॉन से एक ग्रिप सी बनी हुई है। इसे आपने अपने मोबाइल का जो केस होता है ना, उसके पीछे से स्टिक कर देना है। इसके पीछे इसकी डबल साइडेड टेप्स लगी हुई है जिससे स्टिक हो जाएगी। तो फिर आपने इसको किसी भी जो है ना प्लेन सरफेस एरिया पर लगा देना मोबाइल को, ठीक है? बिल्कुल सेव है, कोई मोबाइल घिरेगा नहीं। बस इसका यूज़ आपने ना अच्छे तरह से करना है, फिर ही ये सेव होगा। उसके बाद जो है ना, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके मोबाइल से ट्राइपॉड के आप जहाँ जाएं अकेले वीडियो बनाएं और मज़े लें इस प्रोडक्ट के। काफ़ी ज़्यादा मुझे चीपली मिल गया था, बहुत सस्ता था। खैर, अगर आप भी इनमें से कोई सी भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी जाएं दराज पर, वहाँ से दराज के आप लोग को पता होगा कि सेल भी लाइव है। अभी दराज पर एक सेल लगी हुई है, मुझे सेल लगी, आप वहाँ से जाके चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ों की प्राइजेज हुई हैं। अच्छा जी, मुझे किसी भी पार्सल में याद नहीं है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मुझे ये याद है मैंने क्या ऑर्डर किया था, लेकिन ये याद नहीं है कि किस पार्सल में क्या, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना से पार्सल जब डिलीवर होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और ये जो है ना, हम अभी इसे ओपन करते हैं। एंड इसका मुझे थोड़ा बहुत जो था ना, वो था कि इसके अंदर मैंने अपने आईफोन के लिए कुछ केसेस ऑर्डर किए थे, वही होंगे। तो एक तो मुझे रिसीव हो गया, ये लाइट से पर्पल कलर में जो है ना ये कवर है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये जो कवर है इसमें डिफरेंट कलर्स थे और डिफरेंट आईफोन के जो मॉडल्स थे ना उनके लिए मैंने अपने वाले मॉडल के लिए ऑर्डर किया, और ये काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो प्यारा है। और काफ़ी इसके जो क्वालिटी, तो इसमें शक कर ही मैं सकती हूँ कि क्वालिटी जो चाइना वालों की होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अब आप क्वालिटी खुद ही इसकी देख लें। और इस मुझे लगता है कि मैंने जितना इन पार्सल्स के लिए वेट किया था ना, वो सारा वेट जो है वर्थिड है। मतलब बहुत बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी मुझे क्वालिटी इसकी रिसीव हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। तो ज़बरदस्त, आई लाइक इट। और इसको मैं 10/10 रेट दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे करना है लाइक, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाएं, और कौन प्यारा सा कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा लगा अभी तक का, जो भी मैंने ऑर्डर किए हैं, ठीक है? लास्ट पे आपने ये वाला कमेंट मुझे लाजमी करना है, मैं ज़रूर वेट करूँगी इस कॉमेंट के लिए। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपको इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके बाद ये जो है ना, अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल पे, थर्ड पार्सल पे, आई थिंक यस थर्ड पार्सल ही है। अभी हम वो उस पर मूव करते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्सल के अंदर हमें क्या रिसीव हुआ है। ये काफ़ी फूला फूला सा पार्सल था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था इसके अंदर क्या है। तो चलिए इसे आप लोग के सामने ही ओपन करके देख लेते हैं कि हमें इस पार्सल के अंदर क्या रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया था अपना कटर और मैंने इसे ओपन कर लिया, एंड इसके अंदर भी कुछ पर्पल सा नज़र आ रहा है। सो यस, ये मैंने ऑर्डर किया है अपने चार्जर के लिए ना, प्रोटेक्टर। मतलब अगर आपका ये प्रोटेक्टर, एक तो है भी बहुत क्यूट और बहुत प्यारा लगेगा आपके चार्जर के ऊपर, मतलब आपका जो चार्जर होगा ना उसके ऊपर आपने इसको ऊपर जो है ना चढ़ा देना है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके साथ इसकी वायर कवर भी आता है, ना आपकी ये वायर को डैमेज करेगा और ना ही आपके चार्जर को डैमेज करेगा। बहुत, एक तो क्यूट भी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त है। ये हर स्टोर पे ना, ये बो वाला जो था पर्पल कलर में, ये सोल्ड आउट हो गया हुआ था। तो फिर जो है ना, मैंने डिफरेंट स्टोर से पूछा, तो फिर मुझे एक स्टोर पे मिला, वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन मैंने सोचा कि ले लेती हूँ कि इतना ये प्यारा है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आई है। मतलब इसकी जो प्राइस थी ना वो वर्थिड है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। अब क्वालिटी आप लोग को लग भी रहा होगा कि बहुत अच्छी है, और कहीं से भी डैमेज हुआ नहीं मुझे मिला,
और उसके बाद इसकी जो वायर है, ये मैं लास्ट पे आपको इसकी जो वायर है ना उसके ऊपर इसको कवर करके मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़ाइनल लुक इसकी क्या आती है, तो वो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। सो ये कुछ इस तरह से हमने इसे राउंड राउंड करते जाना है, तो ये कवर होगा एंड इसके आगे इसकी जो पिंस होती हैं उसके ऊपर भी आपने वो लगाने हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, अभी इस पार्सल को रख देते हैं हम एकदम साइड पे। और यहाँ पर ये मुझे वाइट सी एक केबल टाई रिसीव हुई थी जिसको आपने अपनी केबल के साथ टाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर मुझे आइडिया हो गया था कि इसके अंदर मेरा जो है ना फ़ोन का कवर ही है, तो मैंने ये दो कवर ऑर्डर किए थे अपने आईफोन के लिए। तो अभी हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सा वाला रिसीव हुआ है। और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना कि किस पार्ट से मैं मुझे लाइक सरप्राइज मिल रहा था, एंड अभी हम इसे ओपन करके देखते हैं। सो यस, इसके अंदर मुझे डार्क पर्पल कलर में बड़े ही खूबसूरत सा एक कवर रिसीव हुआ है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं आपको इसको मुकम्मल दिखाती हूँ। ये भी मैंने अपने आईफोन के लिए ही ऑर्डर किया है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर ये देख सकते कितनी प्यारी इसकी साइड्स पर डिटेलिंग थी, कितना नीटली बना हुआ था, बटन्स वगैरह 10/10 ऑल थिंग्स ये बहुत अच्छी थी। उसके बाद इसके ऊपर ये एक शीट सी लगी हुई थी ताकि इसके ऊपर ना मतलब जो शाइनिंग है वो जाए ना, आई थिंक इसलिए ये होती है, मुझे सही से नहीं पता। अच्छा, अब इसको हम रिमूव करके दिखा रही हूँ मैं आपको। काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना वो अच्छी लग रही थी और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसकी शाइनिंग आप लोग देख सकते हैं ना प्यारा लग रहा है। और गाइज़ ये मैं आपको ना फिर किसी वीडियो में ये कवर्स लगा कर भी अपने मोबाइल पर दिखाऊँगी, अभी मैं ना शूट कर रही हूँ उससे, वरना मैंने आपको दिखानी थी। सो यस गाइज, अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल पे। सो देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पार्सल में जो है हमें क्या रिसीव हुआ है। तो ये पार्सल भी मैं दराज से ही ऑर्डर किया है, मतलब सब पार्सल्स जितने भी हैं ना ये मैंने सब दराज से ही ऑर्डर किए हैं। तो अभी इसे भी मैं ओपन करके देख लेती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या रिसीव हुआ है। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो इसके अंदर काफ़ी रंग बिरंगा कुछ नज़र आ रहा है, तो देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या रिसीव हुआ है। सो गाइस, इसके अंदर हमें रिसीव हुए हैं ये बहुत कलरफुल से फैदर्स। तो ये फैदर्स मैंने एनी थ्री रील से ऑर्डर किए थे जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है भी या नहीं। तो ये 50 पीसेस फैदर्स के थे, ये मैंने एनी थ्री रील से ऑर्डर किया था, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे तो मैंने ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा कभी वीडियो के बैकग्राउंड में मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, कभी किसी आर्ट में यूज़ कर सकती हूँ DIY में, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। मेरा इसको ऑर्डर करने का कुछ खास इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं मैंने इसे क्यों ऑर्डर कर लिया, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अभी आप लोग ने मुझे आइडिया देना है कि मैं इसका क्या करूँ और इसे किस तरह से किस चीज़ में मैं यूज़ करूँ, तो ये मुझे आप लोग आइडिया दें ज़रूर। और ये बहुत प्यारे हैं और 50 पीसेज ही थे और काफ़ी अच्छे जो ये ना बने हुए हैं और मटीरियल भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और काफ़ी मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सो अभी मैं इनको शॉपर में दोबारा से वापस डाल लेती हूँ ताकि मेरे जो कैट है ना उसकी नज़र ना पड़ जाए, अगर उनने देख लिया ना तो उनने इनको ख़राब कर देना, तो इसलिए मैं इसको बंद करके साइड पर रख देती हूँ वरना ये गई काम से। तो ये भी चाइना से डिलीवर हुआ था, मतलब तकरीबन सारे पार्सल मुझे चाइना से ही डिलीवर हुए थे। तो अब ये वाला पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा था, अभी तक सबसे बड़ा ये वाला पार्सल लग रहा है। तो अभी इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि आई थिंक इस चैनल पे ये मेरी काफ़ी डिफरेंट वीडियो होने वाली है। सो बहुत पहले जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने दराज शॉपिंग हॉल की एक वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया था, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि अब आप मेरी वीडियोस पे काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये वाला जो पार्सल है ना कि मेरा इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जो है ना ये मैंने काफ़ी जगह पर ये हेयर बैंड वायरल होता देखा है, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह इससे भरी हुई है। ये काफ़ी एस्थेटिक्स है, काफ़ी प्यारा बना हुआ है। इसके ये बेसिकली मतलब आप कहीं वायर लगाने वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है, तो ये हैंडमेड बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ था हैंडमेड। और ये स्पंज हेयर बैंड होता है, तो ये बस आप जब मुंह वगैरह धो रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं, तो आपके मुंह के आगे पता बाल आ जाते हैं, तो ये एक बाल भी नहीं आने देता। दूसरे हेयर बैंड्स भी होते हैं लेकिन उनकी जो चीज़ होती है ग्रिप वगैरह वो ऐसी वाली नहीं होती जो इसमें होता है। ठीक है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मैंने पिंक कलर में ऑर्डर किया है, इसमें मुझे ब्लू कलर भी मिल रहा था, ब्लैक भी मिल रहा था और पर्पल भी। वैसे मेरा फेवरेट कलर तो पर्पल है लेकिन मैंने वो नहीं ऑर्डर किया, मैंने पिंक किया।
क्योंकि पिंक ज़्यादा वायरल है, तो मैंने सोचा पिंक ही लेती हूँ मैं अभी। अच्छा, ये वाले जो रिस्ट स्क्रंचीज़ है ना, ये बताऊँ किस लिए है? ये आप लोगों ने मुँह धोते हुए, आपको पता है आपके हाथ के बाजू पे जो है ना पानी सा आ जाता है, तो वो आपने इसलिए इसको अपने हाथ के ऊपर आपने पहनना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी आपके हाथों पे पानी वगैरह नहीं आएगा। और ये देखें, इस तरह से आपने इसे पहन लेना है और मज़े से अपना मुँह धोना है और पानी वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये सारा ऑब्जर्व कर लेगा पानी अंदर, क्योंकि ये स्पंज बना हुआ है, काफ़ी फर वाला ये जो है ना फैब्रिक से बना हुआ था। इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये एक्सपेंसिव था लेकिन इसकी प्राइस बहुत वर्थिड है, कि जितना ये एक्सपेंसिव था ना और इसकी क्वालिटी उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी मैं ज़रा पैकिंग में बंद कर दूँ, क्योंकि जो मेरी कैट है वो ख़राब कर देती है। इस टाइप की से चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, पता है उनके भी बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं लेकिन वो उनसे नहीं खेलते जितने उनको हमारी चीज़ें ख़राब करने में मज़ा आता है, नुकसान करने में। तो इसे भी मैं बंद करके साइड पे रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये देखिए लिखा भी हुआ है इसका यूज़ वगैरह, तो ये है, ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे इस हॉल के लास्ट और सबसे बड़े पार्सल की तरफ, जो है एक, ये जितनी भी इस पार्सल में चीज़ें हैं ना वो मैंने ऑर्डर की हैं एक स्टोर से। मतलब एक स्टोर था, बहुत अच्छा वो स्टोर था और काफ़ी अफोर्डेबल वहाँ पे ना चीज़ें थी, तो मैंने एक स्टोर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर ली। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर की है। तो इस पार्सल को भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले ये एक मुझे चीज़ रिसीव हुई है, जो बबल रैप में अच्छी तरह से उन्होंने पैक की हुई थी, ताकि ये जो है ना टूटे वगैरह ना, डैमेज ना हो, क्योंकि प्लास्टिक का क्लचर था जो कि इतना प्यारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, पार्सल्स से ज़्यादा ना मुझे ये बबल रैप में इंटरेस्ट आ रहा था, पता नहीं क्यों यार, इसे पॉप करने में इतना मज़ा आता है ना। अच्छा, उसके बाद ये मैंने ट्यूलिप वाला फ्लावर वाला हेयर क्लचर ऑर्डर किया था, जो कि इतना प्यारा था ना, काफ़ी प्यारा बना हुआ था। इसमें और भी फ्लावर्स वाले थे लेकिन मुझे ये काफ़ी यूनिक लगा, तो मैंने ये ऑर्डर किया। कलर भी मैंने इसका ये वाला ऑर्डर किया था, इसमें काफ़ी रियलिस्टिक सी वाइब आ रही है और काफ़ी अच्छा है। इस टाइप के भी ना मैंने पिंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होते देखे हैं। अच्छा, जो इसका मटेरियल है वो प्लास्टिक बनी हुई है, ये प्लास्टिक का आप बिल्कुल भी मत समझना कि स्टील या मेटल का है, तो ये प्लास्टिक है और क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाला जो था ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन वर्थिड है, वर्थिड, मतलब जितनी भी चीज़ें एक्सपेंसिव थी ना वो सब वर्थिड हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये ऑर्डर किया बायो एक्वा के शीट मास्क, जो कि पैक ऑफ टू मिल रहे थे और इतनी अफोर्डेबल इनकी प्राइस थी ना। ये राइस ड्रॉप अल्फ वाले मास्क है, जो कि मैंने अपनी मम्मा के लिए ऑर्डर किए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। और ये तो बाकी मैं आपको इनका यूज़ करके मम्मा के सारे रिव्यू शेयर करूँगी, तो यस। और बायो एक्वा कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं हम यूज़ कर रही है, मैंने हम बहुत पहले भी ये यूज़ किए हुए हैं, बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इससे फटाफट से ऑर्डर कर लिया था। सो ये ईच मास्क मुझे मिला है ना जो, वो 100 का है, ठीक है, और काफ़ी जो है ना अफोर्डेबल था। सो अभी नेक्स्ट पार्सल नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर अगेन एक प्रोडक्ट है जो कि हमें मिला है बबल रैप के अंदर, तो अभी हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें जो है वो क्या रिसीव हुआ है। सो इसके अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है। सो यस, अभी मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसके अंदर क्या है, यार इतना भी क्या ही छुपाना। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने ऑर्डर किया है शी ग्लैम का लिक्विड हाइलाइटर। अच्छा, इतनी कम प्राइस में ना, शी ग्लैम का ओरिजिनल तो बिल्कुल भी नहीं आता, ओरिजिनल आई थिंक 10,000 के पास पास है, लेकिन ये जो है ना, ये मैंने उसका ड्यूप ऑर्डर किया है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो शेड है वो सोलर फ्लेयर शेड है, जो जैसा कि आपको मेंशन भी नज़र आ रहा है। और अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी लेकिन ये देखें, ये जो इसका इसके ये जो लिखा हुआ है ना शी ग्लैम, ये ओरिजिनल वाले के ऊपर 3D में होता है, तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि ओरिजिनल वाले पे जो होता है 3D वाला होता है। और इसका एप्लीकेटर इतने मज़े का बना हुआ था ना, और इसको देखें फार्मूला टेक्सचर बहुत मज़े का था। मैंने थोड़ा सा लगाया है और उसके बाद आप इसका जो है ना कलर चेक कर सकते हैं। मेरे हाथ इतने ज़्यादा जो है ना ब्लैक पता नहीं क्यों नज़र आ रहे हैं, लाइटिंग की वजह से शायद, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने नेल्स लगाए हुए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा आज ये जो है ना इनका फ्लैक्स किया हुआ है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ से लिए हैं। ये जो मैंने नेल्स लगाए हुए हैं इस वक्त, ये मैंने दराज से ही लिए हैं, दराज के एक स्टोर से लिए थे, क्योंकि दराज पर नेल्स की वैरायटी बहुत बहुत अच्छी है, हर कोई दराज से नेल्स बाय करता है, आप भी करें। और
बहुत मज़े से शॉप करिए दराज के नेल्स को। उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, और प्यारे से कमेंट करके ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा जी, ये लास्ट चीज़ थी जो कि ये पिंस, मेटल की ये पिंस बनी हुई थी, मेटल या स्टील की आई थिंक, और ये इतनी क्यूट थी। ये पैक ऑफ 3 था और इसमें कलर्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, तो मैंने ये बेज का सेट मंगवाया था और ये काफ़ी प्यारे बने हुए थे। अच्छा, चार्जर कवर की फाइनल लुक ये थी, मैं इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रही थी। होप कि आपको समझ आ भी गई होगी। सो यस, यही था आज का मेरा मज़ेदार सा वीडियो। होप करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो ये थी हमारे चार्जर की हसीन सी लुक। सो ये आप देखें कितना प्यारा लग रहा है चार्जर। और अच्छा जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।